तो सन 24 के चुनाव में ओहे लंबी तकरार, जनता में उत्साह है कि न को हुई बेड़ा पार। आइए दोस्तों गौर करते हैं, सन 2024 का चुनाव नजदीक आ चुका है और बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी ताकत लगाने में लगी हैं, कोई किसी से कम नहीं है सुमित। तो हमारा कहना है इस क्लिप में मैं सीटू माधव, हमारे लग भ्राता सुमित शास्त्री जी और हमारे शिष्य सोनू माधव जो साथ देंगे, बड़ा अच्छी क्लिप है, आप लोग सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे वही शिष्य बीकेश कुमार भारोल से, गौर करेंगे। बृहत जंग है जारी भैया मेरे, सन 24 के चुनाव में सब पाइटन की तैयारी, सब पार्टी अपना अपना जोर लगाने में लगी है, कोई किसी से कम नहीं है। बड़ा तहलका मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, ए सब भरी रहे, ए सब भरी रहे, हुंकार बने सरकार, मतों से भारी, मतों से भारी। अरे राजनीति के चक्कर में घर घर की हुई गई ख्वारी, राजनीति के चक्कर में घर घर की हुई गई ख्वारी। इस राजनीति के चक्कर में घर घर में खारी हो रही हैं, भाई भाई को नहीं समझ रहा है, कोई बीजेपी में घुसा है तो कोई समाजवादी में घुसा है तो कोई हाथी में घुसा है। बहुत सुंदर। आइए ग्रामीण क्षेत्र की तरफ चलते हैं जहां किसान नौजवान और हमारे गरीब लोग रहते हैं, सर्दी का मौसम है, सब लोग इकट्ठे बैठते हैं और वहां चल करके बातें करते हैं हालत क्या है लोगों की। हाँ साहब, राम राम भैया। राम राम साहब। और बताओ? और तो सब ठीक ठाक हैं। आप ये बताओ कि सरकार कौन सी ठीक रहेगी सन 2024 में? अब 24 की सरकार की अगर हमसे पूछो तो हमारी समझ में तो एक ही बात आ रही है कि बीजेपी से बढ़िया कुछ है ना है। अच्छा। हाँ, हमें लगता है कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। क्यों? अरे हमें नहीं जानते तुम। अरे हम आपको खूब जानते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है और सत्य हमेशा कड़वा होता है। और जो हम सफेद कुर्ता पजामा पहने पहने बूढ़े हो गए। हाँ हाँ, तुम्हें मालूम है काय की पहचान है सफेद कुर्ता पजामा? वो हम जानते हैं। हाँ। लेकिन हमारी ओर तो गौर करो। हमारी ओर को गौर करिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है, देखो जाकी चल रही है बाकी चल रही है। अब तुम अब कह रहे हो कि हमारी ओर गौर करो, हम तुम्हारी ओर गौर करें, खूब गौर करें। तुम बताओ तुम्हारे मन में का है, किन की सरकार बन सकती है? हमारे मन में? हाँ, जो हमारा अंदाज है, जो हमारी बुद्धि की बात है। हाँ हाँ, जनता बड़ी दुखी हो चुकी है सन 2024 तक, काफी दिन से जनता परेशान है। अच्छा। कहीं ये लॉकडाउन, कहीं वो लॉकडाउन, कहीं नोटबंदी, कहीं काला कानून, कहीं ड्राइवरों के ऊपर 7 लाख रुपए और 10 साल की जेल। अच्छा। हाँ, जा से पहले फूल बसत जनता के ऊपर। मेरी बात सुनो। बोलो। सुनो, अखिलेश कलेश मिटाएंगे। अच्छा। जो नेताजी ने पाले हैं उसमें तो ध्यान से सुन लेना, हम समाजवादी वाले हैं। लला, बोलो। सपा के आदमी हैं,
अच्छा, और सपा से बढ़िया दुनिया में कोई है ही ना है। नेताजी ने सबको एक चारपाई पे बैठा दिया जो दुनिया में नहीं है, और नेताजी के जाने के बाद जो उन्होंने पाल करके सयाने किए हैं अखिलेश भैया, वो चुनाव क्षेत्र में है। हाँ, तो इसलिए अब की बार सपा सरकार। तुम्हें मालूम ना है? हाँ बोलो। चौमासे के अंडे को जो मालूम पत्ते सब रहे पानी भरो। अच्छा। अरे देखो जनता के रुझानों को देखो, हमारी और देखो, बीजेपी को हल्के में ले रहे हो। डबल इंजन सरकार है और द्वार द्वार खुशहाल है, घर घर में काम देखो, बाबा जी का नाम देखो, और देखो यूपी में चल गए। अरे अपने घरे बैठ के चार दिन में पंचायत कर ली तो कर ली, का कर ली? अरे और लोगों से पूछो, समाज में आओ, देखो बीजेपी की ओर देखो। अबे मालूम नहीं है तुम्हें? मेरी बात सुनो। बोलो। सुनो, कहे रहो। अच्छा, बीजेपी की दाल नहीं गलेगी अब, और ये समाजवादी की साइकिल दिल्ली तक चल के जाएगी। ये समाजवादी की साइकिल है, और ये साइकिल, अरे साइकिल पे तो दुनिया सवारी करेगी, क्योंकि ड्राइवरी करोगे, कोई वाहन चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, 10 साल तक जेल जाना रहना पड़ेगा, 7 लाख जुर्माना आएगा। क्या बच्चा बेचेंगे ड्राइवर जो जुर्माना भरेंगे? अरे तुम्हें मालूम नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सब, अरे अरे ये 7 साल वाली सजा सुनो हमारे बारे में। जो सजा इसलिए करी गई है कि जो कल कल के ट्रैक्टर चलाने वाले ड्राइवर पे गाड़ी चलाए रहे। अच्छा। अब गरीब आदमी दब के मर गयो, बाकी परिवार को पाले गो। इसलिए बीजेपी ने ये नियम निकाला है कि सुरक्षित चलो, सुरक्षित चलाओ। दूसरी बात जो तुमने ये कहा कि साइकिल दिल्ली तक जाएगी, अरे लखनऊ तक जाने में हालत खराब हो गई, वहां पहुंच नहीं पाए, दिल्ली तो ऐसे चले जाओगे। और हमारी बात सुनो, तुम्हें मालूम नहीं बीजेपी में दम क्या है? तुम्हारी बात हम तब सुनेंगे, पहले मेरी बात सुनो। बोलो। हमारा कहना ये है। क्या कहना है तुम्हारा? कि मतलब तुम लोग चाहे चैनल पर बोलो, हाँ हाँ, चाहे ऊपर बोलो, चाहे नीचे बोलो, तुम बोलोगे तो सही है, और कोई बोलेगा वो खराब है। यही अमित शाह जिन्होंने ये नियम लागू करने के लिए कहा है ड्राइवरों वाला, यही अमित शाह एक दिन कह रहे थे कि जब राम वन में थे तब राम ने भरत से कहा कि रावण से कुछ ले लो, रावण को मर। अब ये बताओ वन में लक्ष्मण साथ में थे राम के या फिर भरत थे साथ में? अरे तुम बहुत कटाक्ष वाली बातें पकड़ रहे हो। कटाक्ष वाली मेरी एक बात और सुनो। बोलो। यही अमित शाह कह रहे थे एक दिन, और यही अमित शाह कह रहे थे इंटर 12 करने के बाद इंटर करोगे तब लैपटॉप मिलेगा। हाँ हाँ सही बात है। तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है, और जो कहते हो वो कर पाते नहीं हो। पूरा देश खोखला कर दिया बेच बेच के बीजेपी वालों ने। अरे होता है, तुम्हें मालूम नहीं है? अरे एक राज्य की राजनीति में ऐसी तैसी हो जाती है लोगों की, यहाँ तो पूरा देश संभाल रहे हैं, और देश नहीं विदेश संभाल रहे हैं, तभी तो भारत विश्वगुरु हुआ है। और हमारी बात सुनो, बीजेपी में क्या दम है और हमारे बाबा जी में क्या दम है तुम्हें मालूम ही नहीं है? तुम हो कहाँ, गौर करो। तोड़वा डाले समझ गए जिन्होंने। अब जाइए, रुको। बोलो। रुक जा, रुक जा। बोलो बोलो। तुम बोलने तो देते नहीं किसी को। अरे बोलो। तुमने घर तोड़वा ही पाए कि कहीं बनवा भी पाया कुछ? अरे सत्य कड़वा होता है, जो लोगों को सताते थे, परेशान करते थे, वो जेल में सड़ रहे हैं। और गरीबों पर अवैध कब्जा किया जिन्होंने, जमीनें हड़पी, बुलडोजर फैसला कर रहा है यूपी के अंदर, तुम हो कहाँ? अच्छा, और सुनो, बुलडोजर तो सबके पास है। हाँ हाँ, और ये कलयुग है, जिसको बेईमानी करने को मिल गई वो बेईमान हो गया, और जिसका समय ही नहीं आया वो बेईमान हो कैसे पाएगा? समय ये तो यूपी की जनता जानती है किसको कितना समय मिला है। सपा जितना विकास किसी 70 साल तक भारत देश की हालत खराब रही है, जब से 14 से बीजेपी आई है भारत देश अपने आप को उच्च स्तर पर देख रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। हाँ बन रहा है, बन रहा है, जहाँ से पहले चेला ना बन पाओ काऊ को। हाँ हाँ, और सुनो। बोलो।
उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का जो हमने अयोध्या में बनाया। भगवान श्री राम 22 जनवरी को आ रहे हैं वहाँ। ये बताओ तुम देश में कितना बड़ा उल्लास है, लोग घंटे भिजवा रहे हैं, कितनी बड़ी अगरबत्ती आ रही है राम मंदिर के लिए, कितना लोगों के अंदर उत्साह है भगवान प्रभु राम के आने पर, और तुम कह रहे हो विकास नहीं है। और विकास क्या होता है? नहीं, विकास हो रहा है, राम मंदिर बना, राम मंदिर हमारे सब सनातनियों के पैसे से बना है। मोदी जी ने अपने घर से थोड़ी बनवा दिया। अरे तो लोग अपने घर से नहीं बनवाते, सत्ता में होते हैं वो सत्ता के ही काम से काम होता है। राम मंदिर की खुशी हमें है, है। और हम हमारे सबके राम हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है तुम ये कहो कि हम राम को ले आए, राम तुमको ले आए या तुम राम को लाए हो। अरे तो आज से पहले अनेकों पार्टियों ने शासन किया, आज से पहले अनेकों प्रधानमंत्री रहे, कभी राम मंदिर पर चर्चा तक नहीं हुई। चर्चा नहीं मामला, ये मोदी जी की 56 इंच की छाती में दम है। अरे सुनो, भगवान श्री राम है। ये मामला कोर्ट में था, सबसे पहले नीम राजीव गांधी ने रखी थी वहाँ, लेकिन मामला कोर्ट में था, कोर्ट जब फैसला देगा तभी तो सरकार बनाएगी। हाँ तो हम आपकी बात मानते हैं, कुछ नहीं मान पाओगे, लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसला पर अमल किसने किया? बीजेपी ने। इतने बाबा नाराज हैं बीजेपी सरकार से, मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे 22 तारीख को। हाँ हाँ, उद्घाटन वही लोग करते हैं जिनकी बीवी यानी जिनका जोड़ा होता है। अच्छा, यज्ञ तभी संपन्न हो पाता है। और तुम्हें तो मालूम होगा पुष्कर में जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रक्षा की थी तब भी वहाँ स्त्री की जरूरत पड़ी थी। पुष्कर देखा तुम तो गए हो घूमने? गए हैं, हम गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और सुनो। हाँ बोलो। अब जिनकी शादी न भई हो वे बीवी कहाँ से लेके आए? तो शादी करो तो जाको, मतलब ये है कि जिनकी शादी ना भई वे तीर्थ करे वो बंद कर दे, पूजा करे वो बंद कर दे। क्यों भैया, पूजा तो वो ही कर सके जाके बहु है। और सुनो हमारी बात सुनो, जो मंदिर बनाए अयोध्या में अब उद्घाटन करवाएंगे, भगवा झंडा लहराने को मोदी जी फिर से आएंगे। मालूम नहीं है तुम्हें, अरे हिंदू कितना खतरे में है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई, तुम्हें मालूम नहीं है? सरेआम लोगों के सर काटे जाते थे, सरेआम गाय काटी जाती थी, योगी जी के आते आते उन सब पर लगाम लग गई। कहां है वो लोग? अब दिखाई नहीं दे रहे, जो अपने आप को कुछ समझते थे, जो अपने आप को कुछ मानते थे, उनके नाम निशान मिटा दिए इस बीजेपी ने। और सुनो, यही तो बीजेपी की चाल है कि फूट डालो और राज्य करो। अच्छा, ये हम लोग नहीं करते, हम लोग सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास लेकर के चलते हैं। समाजवादी का मतलब ही यही होता है कि समाजवाद को आगे बढ़ाओ, समाज को जोड़ने का काम करो ना कि तोड़ने का। अच्छा, तुम समाज जोड़ रहे? बिल्कुल जोड़ रहे। 85 गठबंधन कर डाल रहे तुमने, कहूं कोई कायू की पीठ पे बैठो है, कहूं कोई कायू की पीठ पे बैठो है, तब कछु ना कर पाए, अब का कर लियो। और तुम हिंदू मुस्लिम जो चिल्ला रहे हो, हाँ हाँ, तो तुम्हें नहीं मालूम है क्या? सुनो बोलो, तुम मंदिर मस्जिद करो। अच्छा, और धीरनाए धरो फूट करवाई हमने। हाँ, और जब मुसलमान कोई गैर नहीं दे सके हमारे भाई। कौन है ये मुसलमान तुम बताओ, कहां से आए मुसलमान? ये यादवों के सगे भाई हैं मुसलमान। फिर तुम कहते हो कि समाजवादी पार्टी बढ़ावा देती है मुसलमानों को, भाई भाई को कौन नहीं बढ़ावा देगा? अच्छा, कौन है मुसलमान? तो ईद पे घरे बिरयानी बनवा दो यो। हैं? याती की पत्नी थी देवयानी, उनके गर्भ से दो पुत्र पैदा हुए थे, यदु और तुर्वस। हाँ हाँ, यदु से यदुवंश चला और तुर्वस ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। बहुत सुंदर, मानते हैं, वहां से मुसलमान पैदा हुए, मानते हैं। हाँ फिर, लेकिन और तो देखो समाज में। मेरी बात सुनो पूरी, बोलो। तुम मंदिर मस्जिद करो, धीरा लाए धरो, फूट करवाई। क्या बात भैया, ये मुसलमान कोई गैर नहीं दे सके हमारे भाई। सुना बीजेपी वालों,
अच्छा बीजेपी में हो? हाँ हाँ सुनो तो रेल बेच दी, बिजली बेच दी, स्टेशने बेच दी, अब क्या हमें बेचोगे? तुम्हें मालूम नहीं है? अरे शेर अगर एक कदम पीछे लेता है तो ना कि भागने के लिए दो कदम आगे कूदने के लिए, और तुमने देखा होगा शेर तो एक जानवर होता है। अच्छा और जो शेर से चिल्लाते वो सुन ले हमारी बात। अच्छा एक जानवर होता है, शेर इंसान नहीं होता। अच्छा तो शेर तुम्हारे आगे खड़ा कर दिया जाए तो खड़े रहोगे? मेरी बात सुनो, तुम्हें मालूम नहीं है, कह रहे हो देश बेच दिया। अरे भारत देश में जब महामारी आई तब कहां गई थी सरकारें? कह रहे थे कि बीजेपी का टीका फेल है। अरे फेल नहीं है, इसी टीका ने कोरोना जैसी महामारी को भगाया, और तुम जानते नहीं हो? तुम्हारे सुनो बीजेपी ने क्या किया, तुम्हारे टीका ने हाँ कहीं कोरोना नहीं भगा पाया। अच्छा। तुमने वैक्सीन नहीं पहुंचा पाई, ऑक्सीजन गैस उपलब्ध नहीं करवा पाई तुम्हारी सरकार ने। अच्छा हाँ। और ये अस्पताल वैसे ही चलता रहे। और सुनो तुम्हें मालूम नहीं है, अरे बीजेपी ने क्या किया है यूपी के लिए? अरे हमें पूछो, हमारी सरकार से पूछो। और सुनो, और यूपी में बीजेपी ने गैयन की जानी बचाई, मालूम है तुम्हें? गैयन की जान बचाई। हाँ लला सोनू, कितनी गैया बच रही हैं हमें मालूम है, कैसे जान बचाई बताओ हमें। अरे जो गायें सरे आम कट रही थी उन्हें कटवाना बंद किया। अरे गाय हमारे देश में माता कही जाती है। हाँ, माता। गाय की पूजा की जाती है। बिल्कुल। और उस गाय माता का वध बचाया, योगी जी की ताकत थी। हम भी पूजा करते हैं गौ माता की। हाँ, हम विरोध में नहीं है। अच्छा अगर गायों की जान बचाई तो मैंने गौशाला बनवा दिए। हाँ चलो हमारे साथ गेरोर में चलते हैं, गौशाला बना हुआ है। हाँ हाँ और गौशाला में हम तुम्हें दिखाएंगे कितनी गायें हैं और उन गायों के लिए कितना चारा अवेलेबल है। एक बात और कहेंगे, मरी जा रही बेचारी, कोई डॉक्टर नहीं पहुंचता है, गायें बीमारी से मर जाती हैं, चारा नहीं पूछता, तुम खुद हत्या करवा रहे गायों की। अच्छा ट्रेन की पटरियों पे गायें बैठ जाती हैं, ट्रेन आती है ऊपर से निकली चली जाती है। अगर तुम सत्ता में हो तो किसानों से क्यों नहीं कहते एक एक गाय रखो? अगर गाय नहीं रखोगे तो केस हो जाएगा, क्यों नहीं कहते तुम? ये योजना चल रही है, जो किसान गाय रखेगा गौशाला से रजिस्ट्रेशन करा के उसे हर महीने 900 रुपए योगदान दिया जाएगा, ये योजना है। और सुनो मोदी जी ने गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा चालू की है, डॉक्टर पहुंचते हैं एक कॉल पर, गायों का इलाज होता है। और सुनो तुम हमारी बात, अबे हमारी गैया खुद मर गई, डॉक्टर ने तो फोन करते रहे 10 दिन तक ना आए, सरकारी डॉक्टर प्राइवेटों से इलाज करवाते रहे, अगर सरकारी डॉक्टर बढ़िया होते वो पहले ही दिन आ जाते तो क्यों मरती गाय? तुम कहा तो गैया की जान बचाई, तो हिंदुस्तान में एक तुम्हारी गैया थोड़ी और भी गैया हैं, डॉक्टर लोग परेशान रहते हैं, इधर से उधर केस अटेंड करते हैं, लेकिन सुनो यूपी में बीजेपी ने गैया की जान बचाई, और किसान को सम्मान निधि बीजेपी ने दिलवाई, ऐसा कोई घर नहीं है शास्त्री जी? हाँ कहिए। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में सम्मान निधि के तौर पर 2000 रुपए खाते में ना आते हो, लोग 33,000 रुपए पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, सब पैसा वाय हो गए, जैसे तो हमने घर बनवा लो, जब बीजेपी की देन है। अब हमें तो बताओ पाऊ बेचारे पे खेत ही ना आए हैं, सम्मान निधि कहाँ से पाए? गरीबों की तरफ कभी देखा जिन पर खेत नहीं है, जो बेचारे झोपड़ियों में पड़े हुए समय बिता रहे हैं, उनके लिए मोदी जी ने कार्यक्रम बहुत पहले ही बता दिया, कारोबार
अरे कुछ नहीं कर सकते हो, पकोड़ा तो बेच सकते हो। सिलेंडर 1200 का कर दिया, पेट्रोल 100 रुपए कर दी, CNG बढ़ा दी, और उधर कमा लिया इधर घुस दिया। तुम्हें मालूम ही नहीं है ऐसा क्यों किया। लोग गाड़ी ज्यादा चलाते हैं इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। डीजल महंगा हो जाएगा, गाड़ी कम चलाओगे, घरे रहोगे, तुम भाग देता हो ले गाड़ी, घरे रहोगे नुकसान कम होगा, परिवार में ध्यान दोगे, घर बार में ध्यान दोगे, कारोबार में ध्यान दोगे। तुम्हें बातें बहुत हैं, इसलिए मोदी जी ने डीजल महंगा कर दिया। लेकिन एक बात तो आप जानते हो, और सुनो, गरीबों के लिए क्या क्या किया है। कोरोना में सबको फ्री इलाज करायो है भैया, कोरोना में सबको फ्री इलाज करायो है। पूछेंगे उनके उमन की बात तो हम जाने। अच्छा हाँ, 100 में 95 लोग जगाइए बीजेपी। चलो चल रहे हैं, चलो आओ। राम राम भैया। भैया राम राम दादा, राम 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 राम। और भैया सब घरे बढ़िया? बढ़िया है, का करे मुसीबत के मारे भाई बैठे हैं भैया, का बताएं। अरे मुसीबत के मारे भाई बैठे हो। अच्छा एक बात बताओ। हाँ भैया। शास्त्री उत्ते घन से हमसे बहस कर रहे, कह रहे के जो सरकार बढ़िया बस सरकार बढ़िया। हम लोग जाई से आए तुम्हारे पास में भैया, तुम्हारी नजर में कौन सी सरकार बढ़िया है समझाओ शास्त्री जी को। अगर हमारे दिल की बात पूछो तो हमारी नजर में एक ही सरकार सबसे बेस्ट सबसे बढ़िया है। देख ले बीजेपी के मन में। अरे बीजेपी के मन में नहीं, ना सपा के मन में, समाजवादी के। समझो करो, समझो करो, हमारी आपस की बात है। तुम घर के आदमी, घर के बात का जाने तुम्हें मालूम, तुम्हारी तुम्हारी। अरे तुम हमारी तरफ देखो ना, तुम हमारे आदमी हो। अरे हम तो अच्छा आदमी, कोई आदमी आदमी कोई बात ना भैया, तुम मेरी बात सुनो समझो। हम आदमी नहीं, हम मायावती के आदमी है। अरे हाँ बात ही करे वो बेकार है भैया, तुम ना तुम बताओ। ऐसी बात ही कही है शास्त्री, समझाओ ने। हाँ, समझाओ का समझाओ। बहन जी के नाम के पीछे आगे अभी भी क्वारी लगा हुआ है और तुम उनके आदमी मतलब। अरे मेरे कहने का मतलब है को जो मायावती बहन जी है, हम बहन के आदमी हैं, मतलब उनके वोटर। अच्छा वोटर। हाँ अच्छा, हाँ अब समझ। हाँ हमारी पार्टी है। कौन सी? BSP। हाँ अच्छा, बहुजन समाज पार्टी है भाई। पार्टी ने इतने अच्छे अच्छे इतने नीके नीके काम करे, बिने तुम सब लोग भूल गए होगे। कहूँ बीजेपी की धर राय देता हो, कहूँ समाजवादी धर राय देता होगे। तुमने इनके शासन के बारे में सोची, जाने पीछे कितने विकास करेंगे, जाके विकास के बारे में तुमने ना सोचने को। वैसे BSP तो समाजवादी से मिलती जुलती पार्टी है। अरे मिलती जुलती आती तब आती, लेकिन बिन्ने उन्हें हमें कछु समझो। अब हमारे पास सरकार बनाएंगे। हाँ हमें अपनी सरकार बनाएंगे और मानेंगे नहीं। तो तुम दम भर रहे हो? दमना में ही पूरी दम है, और हमारे क्षेत्र पूरा है वो। हाँ जाई में सब वोट देंगे और काय में देंगे, और मायावती के शासन में कितने नीचे नीचे काम भये, बहुत अच्छे अच्छे काम भये। बोलो तुम बोलो। सुनो हमारी बात। हाथी है यूपी का साथी, दे ध्यान सभी सुनते जाना, यूपी की खैर चाहते हो हाथी को फिर से ले आना।
तवई तो सरकार ना बन पा रही, सपा की सोई हम गए। ये हाथी में घुसे, हाथी में घुसे वाली बात का है। अगर मेरी इज्जत चाहो, अपे इज्जत चाहो तो नेक बेंजी गए देखो, नेक बेंजी की सरकार लेके आओ। आएगी बात समझ में? सुना हाथी है यूपी का साथी, दे ध्यान सभी सुनते जाना, यूपी की खैर चाहते हो हाथी को फिर से ले आना। सुना तब भ्रष्टाचार खत्म होगा, जब बहन जीत कर आएगी होगा विकास, तब घर घर में यूपी में खुशियां छाएंगी। आएगी समझ में बात? हाँ, भ्रष्टाचार तभी खत्म है ना, बीजेपी की सरकार तो भ्रष्टाचार खत्म है रो, तुम आप सही में गुंडा कर दी सब दिखाते होगे। भाई बेंगी को शासन मान दो और बढ़िया तरीका से सरकार चरण दे, बिना के मारे बिन्ने देखो कितनों नीको नीको विकास कराओ। और ने कहूं धरती धर के ना धत्ता कही। अच्छा तुम्हें कैसे मालूम? उन्होंने जब उनकी सरकार हटी तो उन्होंने इतनी चेकिंग लगवा दी रोड पे कि मोटरसाइकिल से बाजार जाए वो दुश्वार हो गया। अब तो देखो हम निबल पड़ गए तो जब मतलब तुम पे चढ़े ही फिरतोगे, मतलब कौन सी बात भैया राजनीति तुम बताओ। अच्छा गाओ, तुम गाओ तब सना। अरे संकेत आ रहे हैं, संकेत कहाँ आ रहे हैं? संकेत आ रहे हैं, बहन जी भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं। फिर तुम रह जाओगे, तुम्हें यही आना पड़ेगा, इसलिए अभी आ जाओ। तो आप कहना क्या चाहते हो इसका मतलब? हम जगह चाहते हैं। हाँ क्या कहे चाहते हो? सबसे बढ़िया जय रही है कि हर की लोकल की पार्टी। कौन सी? हर की अपनी समाजवादी पार्टी। देखा भैया, जो सबके नेता, और नेता नेताजी का दर्जा किसी को दिया ही नहीं गया, वो हमारे नेताजी को ही दिया गया। किसको? और ये तो सब नकली नेता हैं। हमारे नेताजी ओरिजिनल नेता थे जो अब दुनिया में नहीं है, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। अच्छा हाँ, अरे वे तो चले गए दुनिया को छोड़ के, अब जो रह गए उनकी बात करो, नेताजी की बात क्यों करते हो? तो अब नेताजी के लघु भ्राता जी हैं जिन्हें चाचा के नाम से दुनिया पुकारती है, सतपाल चाचा जी, वो काउस कमेगा तो बे नेता आएगा फिर हमारी बहन जी को। भाई हम तो भाई बिना कछु बनाएंगे, हम तो कहूँ चुकाएंगे। हाँ हम तो उनके आदमी हैं, सब सपोर्टर हैं, वोटर हैं। ऐसी बातें करते तो गए पंचायत वाली बातें करो, न्याय जी डारो बातें मले एल्ला ने आँच लिया बनाए ले। हाँ हाँ खरगूर उठा लिया। बता भैया तुम बताओ। अच्छा अब इन बीजेपी वालों से पूछ के देखो भैया, देखो हम तुम घर घर के और तुम न मरे जाओ शहर मानने के चक्कर में, तुम परे भाई क्योंकि तुम रोजीना दुकान में बैठता हुई और बे लोग तुम्हारी कान मत रहा था। अच्छा और ताशो तुम बीजेपी में घुसे फिर तो ना समझवादी हो, बीजेपी घर घर के और हमें बाहर फेंक दो, हमारे बिना का सरकार बना ही लियो, हमें बीच में तो हम सोचेंगे ना, हम ना सोच रहे। हाँ हम सोचेंगे तो तुम तो हमारे संग हो ना, तुम अलग थोड़ी हो, इंडिया गठबंधन में आ जाओ तुम भी, तुम वो पे नीचे कर ले तो सही रही है। अरे तुम आइए हमारी पार्टी में रहो। अरे सुनो, और तुम अगर राजवर्ग इतना छोड़ के भजे तो नाऊ बच्चे पियर का चाचा, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, न मंत्री बन पाओगे न किसी लायक रह पाओगे। तो ऐसा करो तुम सब जाते ना एक सामान लेके चलो, हम काउ तो कछु नहीं कह रहे और सब मिल के देखो एक थाली में खा ले तो अच्छा ही रहेगा। देखो हमारी पार्टी में सब जाते एक समान है, हम किसी की बुराई थोड़ी करते हैं। जे करते बीजेपी वाले बताओ। अच्छा मैं तो बुराई वाली जाने बात का है। अच्छा सत्य कह दो तो कड़वी बात है, मेरी बात सुनो, तुम्हें मालूम ना है, अरे योगी जी के विकास को देखो और लोगों के काम देखो। और तो विकास अखिलेश भैया ने नहीं किए, मायावती ने नहीं करे। अब बात आएगी तो हम कहेंगे मायावती ने विकास ना करे, बड़े नीके नीके विकास करे। हाँ अच्छा हाँ चलो कोई बात ना है, और बताओ मेरी बात सुनो। बोलो सपा ने क्या क्या काम किया है? क्या किया? काम वाली बात भूल गए। हाँ मेरी बात सुनो ना, काम वाली बात, काम जितना काम हमने किया है वो किसी ने नहीं किया, हमारे नेताजी ने किया है। अच्छा अखिलेश यादव जी ने। और हमारे नेताजी जब थे दुनिया में मुलायम सिंह यादव जी, तब वो कह देते थे कि इसका शिलान्यास इतनी तारीख तक होना है। अच्छा हाँ मुख्यमंत्री जी बताएं होगा या नहीं होगा, तब भैया जी कह देते थे बिल्कुल होगा, पिताजी का ऑर्डर है, सख्त आदेश अनुसार वो काम होता था, तब शिलान्यास होता था। और तुम्हारा मंदिर आधा बनाया तुम शिलान्यास कर रहे हो, तुम उसका उद्घाटन कर रहे हो। अच्छा अरे तुम्हें मालूम नहीं है जनता के अंदर कितनी बड़ी उत्साह है, अरे उंगली उठाने वाले तो उंगली उठाते रहेंगे, डबल इंजन की सरकार है, डबल पावर है। तभी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, सही कहते होगे।
अरे तुम्हारी तुम्हारी एक ही बात है कि हमें 20 रुपए के चक्कर में हो, हम तो जाता समेटो। अच्छा तुम भाज दे, अच्छा तुम बताओ। चलो कोई बात ना, कोई बात ना भैया, हम तो बता अकेले में मिली है। अकेले में ना मिलो, हमारी अवैध बात मान लो। दादा कह रहे हैं समाजवादी भाई समाजवादी वाले का चुनाव जे कोरे ऐसे उलट रहे हैं, चले रहे हैं। पहले मेरी बातें सुनो, तब बोलो बोलो बोलो, दिमागम बैठेंगे बातें तब तुम्हें खुद मालूम पड़ेगा। हाँ बोलो सुनो। अरे 100 नंबर हमने चलवाई, क्या बात है, हमारी सरकार की देन है 100 नंबर गाड़ियां, जिसको तुमने 112 कर दिया लेकिन उनके टायर नहीं बदलवा पाए तुम भाई। तो अरे सोचो, विकास तो एक कदम आगे है, तुमने 100 करो हमने 112 करो। हम 114 कदम फिरका रही है भैया, हम 114 कदम ही तो। अच्छा तुम अपने चक्कर में हो, दूर तक ही बोलन लगे, मतलब दुनियादारी सब चक्कर में ही है। अच्छा अगर तुम्हारी सरकार बनती तो 114 करती हो। मैं राम मंदिर को उद्घाटन करे जा रहे हो, जो तुमने ही बनवाओ का, तुम ईटे पकड़ाए हुए गए थे, गारा पकड़ाए हुए गए थे। चलो कोई बात ना, तुम बनाओ, हम काहे को मना करें, बनाओ सरकार। अरे 100 नंबर हमने चलवाई, क्या बात है, एम्बुलेंस है गांव तक आई। और सुनो एक बात कहे, अरे तुम एम्बुलेंस की बात करते हो, लोग एक घंटा पहले फोन करते हैं एम्बुलेंस शाम तक आ रही है तुम्हारी सरकार में। अब देखो कॉल करो, जानवर वाली एम्बुलेंस, गाय के लिए एम्बुलेंस, पशु एम्बुलेंस। अरे आदमी की बात छोड़ो, बीजेपी की सोच देखो, जो हमारे पशु हैं, जो गाय भैंस हैं, इनके लिए एम्बुलेंस आ रही प्रधानमंत्री के द्वारा। तो वही तो हमारी गैया मर गई जो एम्बुलेंस गई चक्कर में, जो सुनता ही ना गाँव की। एक्सप्रेस वे रोड बनाई, जनता रही सब लाभ उठाई। बोलो, एक काम बोलता है यूपी में, फिर से होई सपा सरकार। अरे लोहिया जी के सपने हमने यूपी में कर गए साकार। अच्छा अरे जाग न पीएम बन के आवे, तब भारत को करें सुधार। इसलिए सुना बोलो, अरे भैया जाग न पीएम बने, हाल भारत को बदलेंगे। मेरे भैया जागना पीएम बने, हाल भारत को बदलेंगे। समझ गए, इतने अच्छा। विकास कार्य हमारी सरकार में हुए। अच्छा हाँ, जो विकास कार्य हुए, अरे एक्सप्रेस वे रोड बना दी, किसानों ने क्या लाभ उठाया, इतने ऊंचे पर रोड बनाई बेचारे की बैलगाड़ी तक तो चढ़ नहीं पाए रही, किसान के पास रखा क्या है, ट्रैक्टर वहां पर जा नहीं पाए रहे। तुम्हारी गाड़ी जरूर अर्राटे पे निकल जाती है और बाहर से चले आता तो तुम्हारा मतलब जो है समाजवादी ने जो काम करो है ने फेल करो। गाड़ियां एक्सप्रेस वे पे चलती हैं, हाँ हाँ, एक्सीडेंट कम होते हैं, समय से लोग पहुंचते हैं, तो तुम गाड़ियां बंद करवाना चाहते हो। अच्छा, इसीलिए तुमने ड्राइवरों के लिए रूल निकाल दिया कि ड्राइवर गाड़ियां न चलाएं और समाजवादियों का हाईवे खाली बढ़ा रहे। तभी अच्छा, तेल बढ़ाए दो, तभी तेल बढ़ाए दो, तभी पेट्रोल बढ़ाए दो, हम समझ रहे, हम समझ रहे, हम समझ रहे। और सुनो, अरे हमने भी बनाया है गंगा एक्सप्रेस वे, हमने बनाया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना दिया। वो कहीं नहीं बना, तुम्हारा काम बरसों तक चलता रहता है और तुम कभी काम को। अरे हम अच्छा करते हैं इसलिए टाइम लगता है, ये थोड़ी लीप पोत के बना दिया बस काम हो गया। अरे बात बताओ, बात बताओ, एक बात बताओ, तुम मुझे कह रहे थे कि देश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, एक गड्ढा भरो
पता। अब गड्ढा रहो कहाँ है? अरे हमारे गांव की सड़क देखो तुम, जो विधायक से पड़ी हुई थी वो आज फूटी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। चाहे वो प्रधान होते हैं, BDC होते हैं, जिला पंचायत हो, सपा से वोट हड़प लिया, BJP में घुस गए। अब की दोबारा आप मांगने वोट तब हम देखेंगे। अच्छा हाँ? अरे सुनो, BJP के काम सुनो, आप कह रहे हो हमारी ओर देखो थोड़े, बोलो। अरे जा दिन से BJP आई, BJP आई है बाद दिन से, और चार दिन से BJP आई, और तीनों भ्रष्टाचार मिटाई, हमारी माताएं घरों में चूल्हा भूख भूख के दुखी थी। अरे बाजू बाजू के मोतिया बिंदु हो गए आखिर में धुआं लग लग के, जब तो हमारी सरकार में दम है, जो गैस के कनेक्शन घर घर फ्री दे दें, उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं लोग। तो तुमने बहुत अच्छा काम करता हो ना। अच्छा, माताओं की आंखें खराब हो रही थी तो मैंने खर्चा बढ़ा दिया, गैस के कनेक्शन फ्री में दे दें, और तभी तो लोगों को गैस भर रही है। अच्छा गैस भर रही है, खाना हजम नहीं होता है लोगों को। मोदी जी का कहना है तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो अरे उसी के तहत उन्होंने देखा कि हमारी बेटियां जो पढ़ी लिखी हैं वो चूल्हे में मुड़ दे रही हैं, अरे सुबह से शाम तक धुआं खा रही हैं, उनके लिए गैस कनेक्शन फ्री है। जितने टाइम जाओ गैस घुमाओ, खाना बनाओ, गरम गरम खाओ, पहले सवेरे की बनी गंजाल खाते। और सुनो चूल्हे की रोटी आज भी अच्छी लगती है तो मैंने सिलेंडर रह गए, और इतने की आदत खराब करनी और कसना करो। सोनू इनम घर है, तू तीन चूल्हे धरे हुए छत पे, मकान खराब हो जाए तो लोग बड़ी मुश्किल से पुट्टी करवा पाते हैं, चूल्हो जलाए जलाए तू खराब हो रहो। और तुमने ना चलो सिलेंडर दे दे फ्री में, लेकिन सिलेंडर भी 1200 का तुमने ही बेचा, तब कहाँ गए तुम? सब्सिडी ना दे रहे हम? सब्सिडी तो इतनी आई, लोग भर गए सब्सिडी लेके। आगे बताओ। और सुना लठियां बरसवाते हो लोगों पे, और तभी तुम जबरदस्ती से सरकार बना लेते। अरे रुक जाओ, डबल इंजन को मतलब हमें बताओ पहले। ए BJP वाले थे आप? हाँ बोलो। डबल इंजन को मतलब बताओ, इंजन को मतलब कहा जाओ, इनके आगे हुए इंजन हो पीछे हुए इंजन हो? इंजन तो पानी देते हो जैसा।
अरे रेलगाड़ी ना देखी तुमने, जब ज्यादा लोड वाली गाड़ी होते तो डबल इंजन खींच के ले जाते हैं। इंजन वही तरीका तो सरकार काम कर रही, तुम्हें मालूम ना है। इंजन का जो मनुष्य हमें समझ में ना आ रही, इंजन इंजन चला रहे हो, कहूँ शेर कहूँ इंजन को डबल इंजन को सिंगल इंजन का डबल वीर को इंजन हुए हम तो मतलब कहीं नहीं रहे कछु। हाँ ऐसो है भैया। हाँ बोलो। अब काफी लोगों से मिल रही लेकिन काऊ की समझ में कछु आ रही, काऊ की समझ में कछु आ रही ना ये कछु समझ में, क्यों तुम्हें तो समझ आता ही हमें हो। और हम तो मगर लड़ता हूँ रहे तो जो लड़ाई से कुछ फायदा नहीं करे बाब ना है मिला। हम तो पड़ोसी पड़ोसी हैं, अपने हिसाब से ही कोई ऐसा उपाय निकालो जो उपाय से हम और आप सब लोग आराम से पार हो जाए। तो उपाय तो केवल जो ही है, इंडिया गठबंधन में सब लोग आओ, सब लोग। अच्छा 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 सब ले लें अपन, ये पार्टी घटिया ले लें फिर रहे हैं कि हमें इतनी सीट दो, हमें इतनी सीट दो, जंत को यह ना सीटें दो। अब जना के सब सीटें घटी तरह ऊपर धलने तो एक सीट बन जाए ऊंची वाली। तो जो मतलब भैया हम आए तुम कहाँ जाइयो, तुम तो हमारे साथी हो, पिछड़ों का सम्मान और भी हैं वो समाजवादी, हमेशा उनके साथ में रही है। हाँ क्योंकि तुम्हें मालूम है हम ज्यादा कट्टर हैं तो मायावती के हैं, और तो करो तो एक समान कर दो सबनों एक को। समान है, नेताजी ने कभी नहीं सोचा कि हमारा कोई एससी है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। नेताजी ने सबको एक चारपाई पे बैठने की जगह दी है। लेकिन ये इसलिए हम सभी यूपी की जनता से हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। हम लोगों ने गांव गांव घूम करके देखा कि हर गांव के अंदर, हर कस्बा के अंदर, हर गली के अंदर इसी प्रकार की चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। जो हमने कानों से सुना और आंखों से देखा वही हाल आप लोगों के बीच में माधव कैसेट के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और हमारी प्यारी सी नोकझोंक में अगर किसी के दिल को ठेस पहुँचे तो माफ़ी चाहेंगे। लेकिन यूपी के अंदर हमने भ्रमण करके देखा तो लोगों में उत्साह भी है, क्रोध भी है, विनम्रता भी है, प्यार भी है। लेकिन अंत में जब सबका निचोड़ निकाला, सबको दिल से टटोल करके देखा, सबके मन की भावना को जाना, तो केवल एक ही बात निकल के आई है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समाजवादी से बढ़कर कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हम सभी भाइयों से, सभी क्षेत्र की जनता से, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं और जो भी इस क्लिप को देखें उनसे यही अनुरोध करेंगे कि इधर उधर के भड़कावे के चक्कर में ना आए और उत्तर प्रदेश के उत्तम विकास के लिए फिर से एक बार साइकिल का बटन दबाएं और भैया अखिलेश को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाएं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत का विकास हमारे भैया अखिलेश के माध्यम से हो तो ज़्यादा अच्छा है। और हम सभी साथियों की तरफ से जो इस क्लिप में आप लोग सुन रहे हैं, हमारे बड़े भ्राता सम्मानी श्रीमान सीटू माधव शास्त्री जी जिन्होंने एक समाजवादी पार्टी का अभिनय किया, और मैं सुमित कुमार शास्त्री आप लोगों के बीच में बीजेपी का सेवक बन के आया, और हमारे लघु भ्राता सोनू माधव शास्त्री इनकी तरफ से बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए कुछ शब्द आए, अगर किसी भाई के दिल को ठेस पहुँचे तो हम बार बार माफ़ी चाहेंगे। लेकिन सभी भाइयों के लिए अंत में एक समझाने के लिए, एक बताने के लिए एक लाइन है, एक गीत है, किस तरह से पूरे देश की माला को हम एक ही धागे में परोना चाहते हैं। जो इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो जातिवाद का बढ़ावा देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं क्योंकि हम समाज को सुधारने के लिए हैं, ना कि बिगाड़ने के लिए। इसलिए अनुरोध करेंगे आप लोग भड़काने में ना आएं, और हम लोग एक माला को बनाने के लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में उस माला को अखिलेश भैया के गले में पहनाएं। आए बड़े भ्राता जी, आइए देखते हैं इस गीत के माध्यम से सब लोगों को समझाने जा रहा हूँ। सब लोग तालियों के साथ बोलते हुए आगे चलते हैं। सन 2024 के चुनाव में बहुत सुंदर भैया। ये जनता सबकी साथी है, जुड़ मिल सरकार बनाती, हमारी जनता भगवान है, कोई न ऊंचा है न कोई नीचा है। सत्य वचन भैया, सब जनता एक समान है। जनता ये अगर चाहे तो बलवान बनाए, जनता अगर चाहे तो पहलवान बनाए, और जनता चाहे तो एक मिनट में धूल में मिलाए। जनता जनार्दन के लिए हमारी तरफ से दो शब्द हैं, आप लोग गौर करें माधव कैसेट के माध्यम से। अरे ये जनता सबकी साथी है, जुड़ मिल सरकार बनाती,
इसलिए सभी भाइयों से कहना है, गांव गांव में हुई रो हल्ला, गांव गली हरी एक मोहल्ला, गांव गांव में हुई रो हल्ला, शहर गली हरी एक मोहल्ला, साइकिल रफ्तार बढ़ाती है, चुरमिली सरकार बनाती साए, अरे ये जनता सबकी खाकी है, चुरमिली सरकार बनाती है, ये जनता सबकी साथी है, चुरमिली सरकार बनाती है, इसलिए सभी भाइयों से कहना है, जो कुछ लोग समाज में बात फैला रहे हैं कि ये ऊंचा है ये नीचा है, हम समाजवादी लोग सब लोगों को एक समान जोड़ने वाले हैं, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, अरे नेताजी का लगा बगीचा, सबसे यही कहना है हमारे धरती पुत्र नेताजी स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो बगीचा लगा करके गए हैं समाजवादी पार्टी का, इस बगीचे के फूलों की तरह हम खिलते रहे, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, अरे नेताजी का लगा बगीचा, हम सबकी मानव जाती है, चुरमिली सरकार बनाती, भगवानों का जो बंटवारा सरकार ने कर दिया है वो हमारे में ना है, सुनो बोलो, जो राम मंदिर बन रहा है सब लोग जाएं, राजनीति न चलाएं राम मंदिर में, अरे राम कृष्ण विष्णु अवतारी, भीम को जाने दुनिया सारी, राम कृष्ण विष्णु अवतारी, भीम को जाने चाहती है, चुरमिली सरकार बनाती है, जनता सबई को चाहती है, चुरमिली सरकार बनाती, ये जनता सबकी साथी है, चुरमिली सरकार बनाती, ये जनता सबकी साथी है, चुरमिली सरकार बनाती है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कृपाल चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डिंपल भाभी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी प्यारे अमर रहे, अमर रहे भाई अमर रहे, तीर मुलायम अमर रहे, अमर रहे भाई अमर रहे, बटन तुम्हारी कहाँ डबेगी, कहते
मिक्स बाय माधव कैसे खिरोड़ी मैनपुरी। अच्छा।